हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लॉन्च रोब कटिंग एंड स्टिचिंग। ये एक नाइट ड्रेस होती है जिसका नाप इस प्रकार है, लेंथ 53 इंच, शोल्डर टू शोल्डर विड्थ 16 इंच, शोल्डर लेंथ 9 इंच, चेस्ट 42 इंच, वेस्ट 38 इंच, हिप 44 इंच, नेक लेंथ 16 एंड हाफ इंच, हाफ नेक विड्थ 5 इंच, बैक नेक लेंथ 1 एंड हाफ इंच, स्लीव्स लेंथ 16 इंच, हाफ आर्म अराउंड 6 इंच, सर्कमफ्रेंस 21 इंच। ये मेरा फैब्रिक है जो 4 लेयर्स में रखा है। इसमें मैं अपनी रोप की कटिंग करूंगी और ये फैब्रिक मैं इनर साइड में लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे लेंथ प्लस 2 इंच का मार्क। लेंथ है हमारी 55 इंच, लेंथ है हमारी 53 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 55 इंच। तो ये मेरा 55 इंच का मार्क है। इसको मैं स्ट्रेट लाइन लगा करके यहां से अपने रोप की ड्राफ्टिंग करूंगी। इस लाइन से सबसे पहले हम अपनी लेंथ के मार्क लगा लेंगे। सबसे पहले शोल्डर लेंथ 9 इंच, उसके बाद वेस्ट लेंथ 14 एंड हाफ है तो मैं 15 पे मार्क लगा रही हूं, और हिप लेंथ है हमारी 23 इंच तो मैं 23 एंड हाफ पे मार्क लगा रही हूं। अब हम टॉप पे वापस जाएंगे और यहां से हम लेंगे अपनी शोल्डर टू शोल्डर विड्थ का हाफ प्लस हाफ इंच, जो है हमारा 16, उसका हाफ हो जाएगा 8 प्लस हाफ आ जाएगा 8 एंड हाफ इंच। अब इस मार्क पे भी हम 8 एंड हाफ इंच का मार्क देंगे और सिंगल लाइन में इसको मार्क करेंगे, क्योंकि ये हमने थोड़ा लूज लूज ड्रेस बनानी होती है तो इसमें हम अगली कटिंग नहीं करते हैं। उसके बाद हम यहां आएंगे, यहां से भी हम लेंगे अपने चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच। 1/4 हो जाएगा हमारे चेस्ट का 10 एंड हाफ इंच, क्योंकि चेस्ट है हमारी 42 इंच, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12 एंड हाफ इंच। अब वेस्ट पे आएंगे, वेस्ट का भी 1/4 प्लस 2 इंच लेंगे। वेस्ट है हमारी 38, उसका 1/4 हो जाएगा 9 एंड हाफ इंच प्लस 2 इंच आ जाएगा 11 एंड हाफ इंच। और इसी प्रकार हम आएंगे हिप पे, हिप है हमारे 44, उसका 1/4 हो जाएगा 11 प्लस 2 आ जाएगा 13 इंच। अब हम बॉटम में आएंगे, बॉटम में हमारा सर्कमफ्रेंस है 21 इंच, तो हम 21 में अपनी स्विंग सीम प्लस करेंगे यानी कि 1 इंच, तो यहां से हम लेंगे 22 इंच। अब हम इस प्रकार से यहां तक ऐसे इसको मैच करेंगे और इन मार्क्स को भी इनर को इनर के साथ और आउटर को आउटर के साथ मैच कर देंगे। यहां पर हम अपनी आर्म राउंड की शेप देंगे। इसमें हम सिंगल आर्म राउंड ही बनाते हैं। उसके बाद हम अपनी नेक विड्थ लेंगे जो है 5 इंच, तो 5 से हम थोड़ा सा कम लेंगे, और बैक नेक लेंथ हमारी 1.5 इंच है तो यहां से ऐसे बॉक्स बनाएंगे और ये हमारी बैक नेक की राउंड शेप की ड्राफ्टिंग हो गई है, और यहां से हम थोड़ा सा नेक लाइन को गिराएंगे। अब हम सबसे पहले, क्योंकि हमने फ्रंट की जो कटिंग है
वो नेक की अलग तरीके से काटनी है। तो हम पहले यहाँ से स्ट्रेट काट करके और अपना बैक पीस अलग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम बैक पीस को अलग कर देंगे। बैक पीस हमारा जुड़े हुए भाग से बनना चाहिए और फ्रंट पीस हमारा इस प्रकार खुले भाग से बनना चाहिए। उसके बाद हम फ्रंट पीस में अपने गले का निशान लगाएंगे जो है 5 इंच, तो हम उसे थोड़ा सा कम लेंगे और यहां से हम नेक की जो लेंथ है वो 16.5 इंच पे मार्क देंगे और इसको हम ऐसे स्लांट मैनर में मिला देंगे। उसके बाद हम इसको बस ऐसे स्ट्रेट ही रहने देते हैं। अब इसके नीचे हम जो हमने फैब्रिक पहले दिखाया था उसको रखेंगे और उसको मैं एडजस्ट करके रखूंगी। ये नेक लाइन से हम इतना एक्स्ट्रा रखते हैं इस कपड़े को, लगभग 2.5 इंच, और इसको सीधा इसके नीचे रख करके इसकी भी नेक लाइन के साथ ही कटिंग करते हैं। हमने इस फैब्रिक को इसके नीचे एडजस्ट कर लिया है और यहां से हम इसको नाप लेंगे, तो ये 8 इंच है, तो मैंने इस फैब्रिक पे 8 इंच के ऐसे मार्क लगा दिए हैं। अब हम इसकी यहां से नेक लाइन से ऐसे कटिंग करेंगे। और अब इसकी यहां से स्ट्रेट कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे इनर पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इस रिमेनिंग फैब्रिक से हम सिंपल स्लीव्स बना देंगे जो मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं। स्लीव्स कटिंग करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है और मैंने ऊपर से जो हमारा फैब्रिक बचा था उसमें से ये बेल्ट की कटिंग भी कर ली है। कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम स्टिचिंग पे आते हैं। ये हमारा फ्रंट ओपन पार्ट है, ये हमारी नेक लाइन है। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने नीचे इनर का कपड़ा काटा था, अगर तो आपका ये इस प्रकार से कन्नी वाला भाग नहीं है तो हम पहले इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन अब ये मेरा कन्नी वाला भाग है तो मुझे ये फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं राइट टू राइट ऐसे मैच करके यहां से यहां और बॉटम तक इसको स्टिच करूंगी। बॉटम से 1 इंच पहले, बॉटम तक आने के बाद यहां से 1 इंच पहले लेकर के मैं इसको यहां से यहां तक स्टिच कर दूंगी। रोप पर हमने राइट टू राइट मैच करके ये फैब्रिक स्टिच किया था, उसके बाद मैंने इसको रॉन्ग साइड में ले जाकर इसके ऊपर एक प्रेस स्टिचिंग भी कर दी है। और यहां से ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसको आप खुला भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इसको यहां से भी ऐसे सिंपल स्ट्रेट स्टिचिंग लगा दी है। अब हम अपना बैक पीस लेंगे और बैक गले की कटिंग करके उसमें ये ओरेप पट्टी लगा देंगे जो मैंने आपको पहले बता रखी है।
ये सिंपल पट्टी स्टिच करने के बाद अब हम राइट टू राइट अपने फ्रंट और बैक पीस को मिलाएंगे और अपने शोल्डर लाइन इस प्रकार फोल्ड करके यहां से यहां स्टिच करेंगे दोनों साइड। शोल्डर जॉइन करने के बाद हम इस जो हमारी ये पट्टी है इसको हम इनर साइड फोल्ड कर देते हैं बैक नेक की। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स लेंगे, ये हमारी स्लीव्स हैं, इसको हम इसका सेंटर निकाल लेंगे और इसको शोल्डर के साथ यहाँ शोल्डर लाइन के साथ मैच करते हुए और राइट टू राइट मैच करते हुए ऐसे यहां से यहां तक और इधर से इधर यानी कि अपनी आर्म ग्राउंड में सिल देंगे। और ये दोनों बाजुएं सिलने के बाद हम इसकी फिटिंग की लाइन लगाएंगे। फिटिंग तो नहीं होती इसमें, लूज बनाना है, तो हम यहां से बस 1 इंच की लाइन लगाते हुए बॉटम तक इसको सिल देंगे। साइड की स्टिचिंग करने के बाद अब हम बॉटम में आएंगे। बॉटम में हमने देखो ये 1 इंच ऐसे फोल्ड किया था। अब हम इस फैब्रिक को इस प्रकार से यहां से ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहां पर बॉटम में स्टिच लगा देंगे। बॉटम में फोल्ड करने के बाद अब हम ये 6 इंच की इस तरह लूप्स बनाएंगे। यहां पर हम इसको इसकी कमर में अटैच कर देंगे। यहां पर मैंने ऊपर से 16 इंच लिया है, उसके बाद मैं यहां से यहां 3 इंच का मार्क देती हूं। अब मैं इस लूप को इस प्रकार यहां इस अपनी साइड लाइन पे स्टिच कर दूंगी और उसके बाद इसको ऐसे ऊपर ले जाके ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। उसके बाद हमने ये बेल्ट बना रखी है और इसके वेस्ट बैंड में हम ये बेल्ट लगा देंगे। इस प्रकार ये लूप बना करके मैं इसकी एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरा ये रोप बनाना पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।